गवाड़ी में पुजारी बहिष्कृत सरपंच सहित आधा दर्जन के खिलाफ रिपोर्ट। राजसमंद जिले के रेलमगरा उपखंड क्षेत्र के गवाड़ी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर एक पुजारी परिवार की खातेदारी जमीन पर सरपंच बाबूलाल सोनी सहित आधा दर्जन से ज्यादा लोगों द्वारा जेसीबी चलाकर चार दीवारी नष्ट करने और पेड़ पौधे उखाड़ फेंक देने के आरोप का मामला सामने आया है। गवाड़ी निवासी पुजारी रतनदास पुत्र जगदीश दास वैष्णव वैरागी ने रेलमगरा पुलिस थाने में सरपंच बाबूलाल सोनी सहित आधा दर्जन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दी। बताया कि मांगीलाल पुत्र बोधलाल मेनारिया, श्यामलाल पुत्र प्रतिराज मेनारिया, पवन पुत्र नवनीत मेनारिया, डालचंद पुत्र भंवरलाल मेनारिया, बाबूलाल पुत्र बंशीलाल जोशी, नरेंद्र पुत्र रामेश्वर लाल जोशी आदि ने जेसीबी चलाकर उसकी खातेदारी जमीन की दीवार तोड़ दी। कई नाम है आपका? रतनदास वैष्णव गवारडी। अच्छा, क्या 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 समस्या है आपका? साहब यह समस्या है हमारे के मैं मंदिरों पुजारी हूँ, 500 साल माट गवाड़ी में रह रहा हूँ और मैं गांव वाला ने पहली क्यों दो साल पहली के समय अनुसार अब हमारे धान बांधो या क्या करो, मारे 2 बीघा जमीन में मारे कैश नहीं हुए तो वैसे मैं क्यों जब से मैंने कैश नहीं देवे और दादागिरी करी मारो एक घर एकलो और ये 500 घर मेनारिया 400 घर जो 1 बीघा और मैंने धमकियाँ बताई कि भाई का थने सेवा करनी पड़ेगा नहीं करेगा थने गाँव बहिष्कार करेंगे थारो घर खाली कराऊंगा और सारे कब्जा सुझा जमीन है जुटो हटे देवा सारा काम नौकरी तू करो तो थने हटे देवा और अंडे बाद में मारे मैंने परेशान की दो और 2 साल पहले 3 साल मैंने आना बंद कर मिलियो और पंचायत मारे नोटिस भी आया कि घर खाली कर तो बंडो भी मैं मुकदमो लगायो पासवाड़ा पे और अपने बाद में काले 24 तारीख की बात है मारे कब्जा सुधा जमीन है बिला नाम री अलॉटमेंट भी 7-8 साल उम्र में पेलाइंटे भर रूँ बड़ी जगह ने मैंने तो नोटिस दी दो आना ने कहीं की दो और बट्टे मारे आना काले जैसी भी फेर दी और मारा नुकसान की दो बोले बोली बोले भी लेन भराई गया और बनने बाद में मेरे पास में जमीन 1.5 बीघा जमीन मारे भैरी जमीन है जो भी 15 किलोमीटर फतनगर है जो 10 साल उबा मुझ खेती वहाँ करूँ बड़ी जगह पर भी आना खातर जमीन में भी आना जैसी भी फेर दी थी और फेरा वाला है बाबूलाल सरपंच माना गवाड़ीरो और बाबूलाल जोशी और पवन मेनारिया उप सरपंच और मांगीलाल मेनारिया पिता बोधलाल जी और श्यामलाल पिता श्यामलाल पिता प्रतिराज जी और डालचंद मेनारिया पिता भंवरलाल जी और ये 4-5 आदमी ने मिल के और ये मांगीलाल और श्यामलाल और बाबू सरपंच उप सरपंच डालचंद और इन्होंने 5-7 आदमियों ने मिल के और मेरे यहाँ पे जाके सब तोड़ फोड़ कर दी। मैं गया तो मेरे को बोला कि जब तक तुम गंदगी सेवा नहीं करेगा तो हम तेरे को यहाँ गांव में नहीं रहने देंगे और पास में मेरे खाते की ज़मीन है उसमें मैंने मकान बना रहा हूँ, अभी निर्माण चल रहा है, उसको भी तोड़ फोड़ करने के दिए कि आज तो ये टेलर बताना तेरे को और कल तेरा ये मकान भी तोड़ देंगे तो फिर हम पूरा मेरा परिवार सदमे में है और मेरी कार्रवाई की जाए और मेरे को वहाँ गांव में रह रहे हैं तो भी मेरे को मारने की धमकी दे रहे हैं और मेरे शमशान की ज़मीन है 4 बसों हमारे साधुओं के नाम से दर्ज है उसको भी बोला वहाँ पे पूर्वजों का हमारा चबूतरा है तो उसको बोला इसको भी हम साफ कर देंगे और हम यहाँ जलाने भी नहीं देंगे, हमारे को परेशान किया जा रहा है और प्रशासन हाथ जोड़िए साहब माने कार्रवाई करो तो बाकी माने मारना कला पूरा है परिवार। तो अब आपने क्या किया? मैं हमें साथ ही खेत में बबूल और नीम के पेड़ भी काट डाले, इस तरह उसके खेत पर करीब 50,000 रुपये का नुकसान हुआ है। पीड़ित ने थाने में रिपोर्ट देकर कार्रवाई की मांग की है। फर्जी कॉल की जांच करवाने की मांग, ग्राम विकास अधिकारियों ने रेलमगरा थाने में दी रिपोर्ट। रेलमगरा थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि ग्राम विकास अधिकारी रतन सिंह राव के मोबाइल पर फोन आया और फोन करने वाले ने बताया कि वह जयपुर के सचिवालय से बोल रहे हैं और बताया कि आपके खिलाफ लंबे समय से शिकायत है जिसका निस्तारण नहीं किया है और अगर आप कार्य नहीं करेंगे तो आपको नौकरी से हटाया जाएगा। इस पर पूछताछ की तो सामने वाले ने फोन काट दिया था। आइए अब जानते हैं ग्राम विकास अधिकारी की जुबानी से। हमारे फोन आया तो उसमें कहा गया कि आपकी शिकायत है और पंचायत राज विभाग से बोल रहा हूँ और आपकी शिकायत मुख्यमंत्री तक और हमारी मैडम तक हुई है और आप हमारे गूगल पे
राशि ट्रांसफ़र करो, हम कार्रवाई रोक देंगे, नहीं तो आपकी नौकरी नहीं रहेगी और न आपको जेल में जाना पड़ेगा। तो शिकायत का कुछ नाम नहीं लिया, आपकी शिकायत है, आप सेक्रेटरी बोल रहे हो क्या? हाँ। आपके ग्राम प्रधान कौन है? प्रकाश बिल है क्या? मैंने कहा प्रकाश बिल नहीं है। हाँ। तो बोला कौन है आपके सेक्रेटरी? मैंने कहा आप बताओ सेक्रेटरी कौन है। पंच समिति कौन सी? मैंने कहा राजसंबंध है। राजसंबंध की शिकायत है, फिर फोन काट दिया। रेलमगरा उपखंड के समस्त ग्राम विकास अधिकारी रेलमगरा थाने पहुंचे और फर्जी कॉल की जांच करवाकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बच्चों को निशुल्क ड्रेस वितरण की। राज्य सरकार की निशुल्क स्कूल यूनिफॉर्म वितरण के तहत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय किशोर नगर में बच्चों को स्कूल ड्रेस वितरण की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य महेश चंद्र ने की, जबकि मुख्य अतिथि पूर्व युवा कांग्रेस नगर अध्यक्ष पीरू खींची, विशिष्ट अतिथि नगर परिषद पार्षद नारायण गायरी, किशन गायरी, मांगीलाल पहाड़िया थे। ये जो यूनिफॉर्म राजस्थान सरकार द्वारा दी गई है, ये आप सभी को मिलेगी। इसमें कुछ कमी आने से, आप सभी के पास नहीं आने पर, आप सभी को अपने माता पिताओं को ये कहना है कि जिनके आधार कार्ड में अपडेट नहीं हो, जन आधार कार्ड में अपडेट नहीं हो, वो तुरंत प्रभाव से करवाएं। युवा नेता पीरू खेची ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा निशुल्क फैब्रिक यूनिफॉर्म योजना कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं को फ्री में सरकार यूनिफॉर्म प्रदान कर रही है, साथ ही बच्चों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं बताई।